हेलो एवरीवन माय नेम इज़ राज वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की वीडियो एक वीकली रीडिंग होने वाली है हम देखेंगे आपके लिए इस वीक क्या आ रहा है हम पर्यटनों से पूछेंगे मैंने आपके लिए यहाँ पे मूनोलॉजी कार्ड भी रखे हैं हम देखेंगे आपके मन में क्या चल रहा है मैंने यहाँ पर आपके लिए चार्म भी रखे हैं इस बार चाम्स रीडिंग भी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आई वॉन्ट यू टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड बहुत ही पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखें और इसकी गाइडेंस को ग्रैप करें और इससे पहले गाइस आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यू नो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो तभी आपको मेरी रीडिंग्स और रेजोनेट होंगी और आप कमेंट भी कर सकते हैं यू नो लाइक कुछ भी कि आप क्या चाहते हैं आप किस कंटेंट पे वीडियोस चाहते हैं और मुझे कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसकी वीडियो बना सकूं। सेकेंडली नीचे आप कमेंट ज़रूर करें थैंक यू थैंक यू एंजल्स सो दैट जो कलेक्टिव एनर्जी है वो और वाइब्रेट हो ठीक है और और आपको ये गाइडेंस लगे और ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं तो इट मे रेजोनेट विद यू इट मे नॉट ठीक है तो इट विल रेजोनेट यू कुछ कुछ पार्ट जो भी आपको लगे कि आपके लिए है वो आप रखें और बाकी का किसी और के लिए जाने दें और एक और चीज़ सर uh, मैंने uh, बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे यू नो फ्री रीडिंग सोची है ठीक है और क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम प्लीज़ ये रीडिंग करो तो आपके लिए मैं वहाँ पर फ्री रीडिंग करूँगी इट्स गोइंग टू बी अ लाइव रीडिंग लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हॉलिस्टिक डिवाइन 51 पे सेकेंडली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं प्लस आप मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं और आप किसी भी तीन लोगों को मेरी मेरा चैनल और मेरा इंस्टाग्राम आप फॉरवर्ड करते हैं तो मैं देखूंगी और जो भी होंगे लकी मैं उनके लिए पर्सनल रीडिंग भी करूंगी ठीक है और गाइस तो चलिए स्टार्ट करिए सो लेट्स सी आपके लिए इस वीक क्या गाइडेंस आ रही है पहले हम टेरो से पूछेंगे देन हम मोरोलॉजी से पूछेंगे और मैंने आपके लिए यहाँ पे चार रीडिंग भी रखी हुई है और गाइस इससे पहले आप रीडिंग देखें आप आई वॉन्ट यू टू चेक द इंट्रो पार्ट आप इंट्रो पार्ट भी जरूर देखें ठीक है और वो मिस ना करें क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो आप उसे जरूर चेकआउट करें ओके सो लेट्स सी स्कॉपियो ओके सो स्कॉपियो पीपल स्कॉपियो पीपल आई एम सींग कि आप को नींद नहीं आ रही है आप बहुत बेचैन हो रहे हैं किसी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में डिससेटिस्फेक्शन दिख रही है मुझे आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं आपका मन भाग रहा है आपके मन मन कुछ चाह रहा है दिमाग कुछ चाह रहा है तो ये वीक आपके लिए यही मुझे दिख रहा है कि ना हो सकता है कि इस वीक आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना अः आए या फिर आप थोड़े से ना ज़्यादा बेचैन होते हुए दिख रहे हैं इट कुड भी पॉसिबल कि आपको नींद नहीं आ रही है और आप बहुत ही ज्यादा बेचैनी वाली एनर्जी में है ठीक है और अगर आप इस काफी टाइम से इस एनर्जी में थे तो वहां पे मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल यू you नो know, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज दैट कार्ड जो थोड़ा धीरे धीरे मूव करता है बट करता है तो आपके लिए चीजें Uh, जो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है लाइफ इज स्टक लाइफ इज सक तो आपके लिए चीजें मूव हो रही हैं यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट ठीक है patient, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी दिखाता है स्लोली एंड स्टडी विन्स द रेस तो आपको अपनी चीजों को ना छोड़ना नहीं है कितना भी बुरी चीज़ आए तो आपको इस वीक यही गाइडेंस आ रही है कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें यहाँ पे का है। हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया हाई प्रेस्टेस का कार्ड आना यानी कि आपको क्लियरली इंडिकेशन है कि आपका जो मन है वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा गाइड कर रहा है अगर आपको लग रहा है ना कि आप दिमाग की सुने या मन अच्छा की तो अनडाउडली अपनी इंट्यूशन को सुने, क्योंकि वो आपको सबसे अच्छा गाइडेंस दे रहा है इस वक्त ठीक है एज वी नो ऑल फुल मून इन स्कॉर्पियो तो जब ऐसा होता है तो होता है कि कभी कभी हमारे रिलेशनशिप पे अफेक्ट हो जाता है ठीक है हमारे आ, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि आ, हम कभी खुश हो जाते हैं कभी गम थोड़ा दुखी हो जाते हैं तो आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना चीजों में ठहराव लेकर आए अपनी चीजों को थोड़ा सा आ, क्योंकि आप बॉटम ऑफ क्वीन ऑफ कप्स है क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट गिविंग लव टू पीपल और बेचारी को खुद खुद को कुछ नहीं मिल रहा है तो अभी आपकी यही फीलिंग है ठीक है और इस वीक आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आप अपनी इंट्यूशन को तो फॉलो करें ठीक है और परेशान ना हो लेट्स सी मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ओके एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड सी आई टोल्ड यू कि आपके लिए ना एडजस्टमेंट्स बहुत जरूरी है अभी आप जिस भी सिचुएशन में है आपको उसके अंदर पीस लाना पड़ेगा अब आपको देखिए मेरा मानना है कि कभी भी अगर कोई बुरा वक्त चल रहा है तो हम ज़्यादा सोच कर या फिर ज़्यादा नेगेटिव होगी उस चीज को और बढ़ा देते हैं तो अगर ऑलरेडी कोई बुरा वक्त चल रहा है या कोई चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो उसे छोड़ दें ठीक है एंड यही आपके लिए गाइडेंस पे आ रही टेक टाइम टू ब्रेथ चीज़ों को लेट गो करें सांस लेने दें खुद को भी और चीज़ों को भी अगर आप पीछे पड़े रहेंगे कब होगा क्या होगा कैसे होगा तो वो एक डिप्रेस जिसे कहते हैं ना वो जो आप बहुत ही ज़्यादा पोजेस्ड वाली फील है और इट्स नॉट अ गुड फीलिंग क्योंकि जब आप यूनिवर्स को ये दिखाते हैं आप किसी चीज़ के प्रति इतने ज़्यादा पागल हैं तो वो आपकी से और दूर भागती है तो आप अपने अंदर ना थोड़ा एडजस्टमेंट्स लेकर आइए अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलिए तो कोशिश करिए कि खुद मोल्ड होने की कोशिश करिए ठीक है सो लेट्स सी कि आपके लिए चांस से क्या नहीं क्या गाइडेंस आ रही है एंजल wow, <laughs> पे दोनों ही चाम एंजल्स के आए हैं तो डेफिनेटली आपके आसपास एंजल्स हैं आई एम श्योर आप लोगों को बहुत से सपने भी आते होंगे और आपको सपनों में भी बहुत गाइडेंस मिलती होगी आपको बहुत एंजल्स फैदर या फिर ट्रिपल नंबर्स भी और ना मुझे यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ना आपके लिए ना एंजल्स ने ना सोचा हुआ है तो आप ना सरेंडर कर दें डिवाइन पे यूनिवर्स पे हर चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है हर चीज़ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलाने की जरूरत नहीं होती है कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो इट मीन्स कि उसके ऊपर भगवान का हाथ है और वो कल, वो करना चाहता है वो चीज़ को ना तो आपको उन्हें हैंड ओवर कर देना है खुद से करने की ज़रूरत नहीं और एग्जैक्टली exactly मुझे यही गाइडेंस आ रही है कि एंजल्स आर विद यू दे आर सीइंग यू दे आर प्रोटेक्टिंग यू एंड दे आर वर्किंग फॉर यू ओके गाइज सो दैट्स इट Scorpio, I hope you like it, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.